नमस्कार, आप देख रहे हैं विद्रोही आनंद और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। तफ्तीश के एक और कड़ी में आपका स्वागत है। क्या 44 साल पुरानी स्कीम को खत्म करेगी योगी सरकार? दरअसल स्कीम के तहत अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह कराने वाले जोड़ों को सरकार की ओर से 50,000 रुपए नकद दिए जाते थे। अब यूपी सरकार इस स्कीम को बंद करने का विचार कर रही है। यूपी सरकार का ये फैसला तब सामने आया जब हाल ही में राज्य सरकार ने जबरन धर्म परिवर्तन को प्रतिबंधित किया है। दरअसल योगी आदित्यनाथ सरकार और उत्तर प्रदेश अंतरजातीय अंतरधार्मिक विवाह प्रोत्साहन नियमावली 1976 को खत्म करने जा रही है। यूपी सरकार का यह फैसला तब सामने आया जब हाल ही में राज्य सरकार ने जबरन धर्म परिवर्तन को प्रतिबंधित किया, लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश लेकर आई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार 44 साल पुराने इस स्कीम को खत्म करने का विचार कर रही है। इस स्कीम को राष्ट्रीय एकता विभाग ने चालू किया था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पिछले साल अंतर धार्मिक विवाह करने वाले 11 जोड़ों को इस स्कीम का लाभ उठाया था और इन्हें 50,000 रुपए दिए गए थे, लेकिन इस साल इस स्कीम के तहत कोई रकम जारी नहीं की गई है। हालांकि प्रशासन के पास 4 आवेदन भी गए हैं, लेकिन ये आवेदन पेंडिंग पड़े हैं। यूपी सरकार के मुताबिक चूंकि अब राज्य सरकार ने अवैध धर्मांतरण के खिलाफ अध्यादेश पारित किया है, इसीलिए इस स्कीम का पुनर्विचार किया जाएगा। यूपी सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने कहा कि ये स्कीम अभी तक है, लेकिन इसे जारी रहने के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इसे जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए और अपनी पहचान छिपाकर अपने साथी को धोखा देने वालों को दंडित करने के लिए अध्यादेश लाया है। बता दें कि यूपी सरकार ने जबरन धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के आरोपों के खिलाफ अध्यादेश पारित किया। ये कानून उत्तर प्रदेश में लागू हो गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए अंतर धार्मिक विवाह करने वाले जोड़ों को जिलाधीश के पास शादी के 2 साल के अंतर आवेदन देना पड़ता है। इस आवेदन की जाँच के लिए जिला प्रशासन इसे यूपी नेशनल इंटीग्रेशन डिपार्टमेंट के पास भेज देता था। तफ्तीश के इस कड़ी में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए विद्रोही आनंद।